आज हम कबीर नगर करदमपुरी का जो कदीम कब्रिस्तान है आज वहां पर मैं खड़ा हूं और मैं कब्रिस्तान के अंदर आया हूं, जो कि आज मैं यहां पर देख रहा हूं कि जो इतनी गर्मी पड़ी हुई है लेकिन यहां पर ठंडा पानी नहीं है, ठंडा पानी पीने का नहीं है, गर्म पानी आ रहा है। और यहां पर इतनी गर्मी के अंदर जो आज जो निगम पार्षद ये कहते हैं कि मैंने ये प्याऊ मैंने बनवाया है, लेकिन ये प्याऊ जो है एक असलम नाम के एक यमुना बिहार में रहते हैं उन्होंने ये प्याऊ बनवाया था। और यहाँ पे आज इस कदर गर्मी है, इसके अंदर ठंडा पानी नहीं है पीने का भी, पीने का ठंडा पानी नहीं है और गर्मी पड़ी है। जो आज गोपाल राय जी ये दावा कर रहे हैं कि मैं ये कब्रिस्तान में जो ठंडा पानी पीने का बनाया हुआ है ये मेरा बना हुआ है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ये पानी का जो फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है कब्रिस्तान के अंदर, यमुना बिहार के एक आदमी है उन्होंने ये लगवाया था सब, और आज यहाँ पर ये ठंडा पानी पीने को नहीं है। इतनी गर्मी पड़ी हुई आज पड़ी है और यहाँ पे जो लोग परेशान हो रहे हैं जो आते हैं कब्रिस्तान के अंदर पानी पीने को नहीं मिल रहा है, तो इसे कोई देखने भालने वाला नहीं है। फिर कुछ प्रचार करने वाले लोग हैं कि भाई ये हमने बनवाया, निगम पार्षद ने बनवाया। दोस्तों मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने आज यहाँ पे पता किया आकर, तो ये जो कब्रिस्तान का जो पानी है फिल्टर जो लगा हुआ है ये कदीमी कब्रिस्तान जो करदमपुरी के अंदर है, ये फिल्टर जो है यहाँ के निगम पार्षद या गोपाल राय ने नहीं लगवाया है, ये जो फिल्टर है यमुना बिहार के एक आदमी है उन्होंने लगवाया था। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा ये यहाँ पे लगा हुआ है जो कब्रिस्तान के अंदर जो पानी लगा हुआ है, आज इतना गर्म पानी है इसके अंदर, बिल्कुल गर्म पानी आ रहा है, गर्म गर्म पानी है इसके अंदर।